हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पियाज इनोवेटिव वर्ल्ड। आज हम ये जो ये मुकुट है, ये मुकुट बनाएंगे इस ड्रेस के मैचिंग का। और इस ड्रेस की जो वीडियो है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और मैंने ये नेकलेस भी बनाया है, ये मैचिंग का ही बनाया है इसी के साथ में, तो इसका भी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पगड़ी बनाने के लिए मैंने ये कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लिया है, ये आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगा। ये हमारा मुकुट या पगड़ी बनाने के लिए यूज में आता है। इसकी जो ये लेंथ है वो मैंने ये 3.5 ले लिए, 3.5 से भी थोड़ी सी कम ही है। और इसकी जो ये ऐसे जो ये मैंने 1 इंच का ले लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर ये मैं जो मैंने कल ड्रेस बनाई थी उस ड्रेस के साथ का मुकुट बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने पहले ये ब्लू फैब्रिक ले लिया है और इस ब्लू फैब्रिक को मैं ऐसे डबल फोल्ड करके, क्योंकि ये मेरा थोड़ा पतला है तो इसमें से ये ऐसे दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मैं इस ब्लू फैब्रिक को ऐसे डबल फोल्ड करते हुए और इसके ऊपर लगा लाऊंगी इस तरीके से, और इसको फिर दोनों तरफ से ऐसे कवर कर दूंगी। पर उससे पहले हमें क्या करना है, इसको पहले ऐसे फोल्ड करके और इसका जो सेंटर है वो सेंटर मार्क कर लेना है, ये वाला, ये इसका सेंटर है। और सेंटर में हमें इस तरीके से कर्व की शेप में ऐसे इसको कट कर देना है। ये इस तरीके से कर्व की शेप में इसे कट कर लेना है। आप चाहे तो इसको ऐसे फोल्ड करके इजली कट कर सकते हैं, उससे दोनों तरफ की जो शेप आएगी वो इक्वल आ जाएगी। इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद ऐसे कट कर लेंगे तो ये हमारी एकदम परफेक्ट शेप आ गई है। अब उसके बाद हम इसको इस कपड़े पे लगा देंगे, फिर ये इस तरीके से हमारा बन जाएगा फोल्ड करने के बाद।